खुशियों का त्यौहार ईद उल फितर आज मनाई जाएगी। ईद के दिन को माहे रमजान का रोजा रखने वाले रोजेदारों के लिए अल्लाह की तरफ से खुशियां मनाने के लिए विशेष दिन के रूप में रेखांकित किया है। इसी मान्यता के साथ गुरुवार को शहर भर में मुस्लिम धर्मावलंबी ईद का पर्व उत्साह से मनाया गया। नागपुर में भी सोमवार को स्थित गौसिया मस्जिद में ईद उल फितर पर ईद उल फितर की विशेष नमाज अदा की गई। इस समय परिसर के सभी मुस्लिम बांधव उपस्थित हुए थे। नमाज अदा करने के बाद सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद मुबारकबाद दी। इस परिसर की विशेष बात यह है कि यहां के पूर्व नगर सेवक सतीश होले के नेतृत्व में हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया जाता है। परिसर के हिंदू बांधव सभी मुस्लिम बांधव को गुलाब का फूल देकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। ये उपक्रम पिछले 20 से 25 सालों से चल रहा है। ऐसी जानकारी पूर्व नगर सेवक सतीश होले ने दी है। दर वर्ष प्रमाणे यंदा सुद्धा इथे हिंदू मुस्लिम एकतेचे प्रतीक म्हणून मुस्लिम बांधवांच्या ईद प्रसंगी त्यांना शुभेच्छा देण्याचं काम करण्यात येत आहे आणि त्यांना सगळ्यांना हार्दिक शुभेच्छा। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोड के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।